हेलो गाइस, तो आज है भाई अपनी ये भाई एंट्रेंस भी रिकॉर्ड नहीं करना, एंट्रेंस कह रहा हूं एंट्रेंस भाई ये इंट्रो भी रिकॉर्ड नहीं करने देते। आज आप लोगों ने प्लान बनाया है, अब चलेंगे भाई सीधा यहां से रोहतांग, ठीक है। रोहतांग में भाई अभी अभी हमने टेम्परेचर में देखा, बहुत ज्यादा तगड़ी बर्फ पड़ रही है, और एक हमारे साथ बड़ी दिक्कत वाली चीज हो गई है, ये गोप्रो का माउंट है भाई, हीरो 7 का जो हम यूज कर रहे थे, तो उसका ये टूट चुका है, देखो यहां से इनने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। बड़ी दिक्कत है, कोई नहीं चेंज कर लेंगे, ये रहा दूसरा है। इतनी गंदी भाई, यकीन मानना जो आसपास के मतलब लोग है ना, कम से कम कंटिन्यूसली 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, गोप्रो में कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है, बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके, क्योंकि गोप्रो की यार मेरी ना वारंटी आउट हो रखी है, मतलब वाटरप्रूफ नहीं है ये नाखून मार मार के हमने ऐसा कर दिया, इसकी जो वाटरप्रूफनेस है ना वो हो चुकी है खत्म। नीतू आ, चल रहे हैं, आ जा, पोटी कर रहा था, सब रख लिया। 11 बजे का टाइम था, 11:30 बज गया, निकलना ही नहीं हो रहा था, नीतू की पोटियाँ खत्म नहीं हो रही, अभी पैकिंग नहीं हुई। क्या रहा है? मुझे ब्लॉग बनाने में मजा नहीं आ रहा, मजबूरी में बना रहा हूँ, तुम जलील करते हो। अच्छा जी, एक बार और बता, नॉर्मल पेट्रोल डलाने से फ्यूल पंप खराब हो जाता है? नहीं, मैं बताता हूं, नॉर्मल पेट्रोल उनने बोला था, अगर आप जैसे कोई, नहीं 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 ऐसा होता, मैं बताता हूं डिटेल, एक मिनट, अगर आप बाइक का जिसमें एक पावर वाला पेट्रोल डलता है तो भाई उसमें आप नॉर्मल नहीं डलो सकते, क्योंकि नॉर्मल पेट्रोल में पिन भी आ जाती है। ओ माय गॉड, वाओ, ये तो सच में ऐसा है? हां भाई, मेरी बाइक का तो खराब हो गया है, अगर दो डिफरेंट, वो बता तू ड्यूक क्यों चला रहा है, ड्यूक क्यों चला रहा है, क्या गंद मचा है, बहुत गंदी हो रही है, तू धुलवाएगा? और कौन धुलवा रहा है? मैं दोनों धुलवा रहा हूँ, ड्यूक और ये, अच्छा दोनों वाइट धुलवा रहे हैं भाई, ये वॉश करवा रहे हैं यहीं पे साइड में, भाई अपनी जोकर भाई, अभी एक बहुत गंदा सीन हो गया है, गाड़ी हमारी फंस गई है अंदर की तरफ, मैं दिखाता हूँ कहाँ पे, इधर कार फंस गई और ये कार वाले चले गए रोहतांग, ये हमारी बाइक, बहुत गंदा सीन हो गया था स्टार्टिंग में ही, अब क्या करें, इसको कार उठाएं? मैं उठा पाऊंगा? टेंशन पीछे नहीं छोड़ रही है, चल 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 कर, पीछे से धक्का मारो एक बार, हैंड ब्रेक लगाने के बावजूद भी धक्का, चलो मारो 1 2 3 नहीं हिल रही, अब क्या करें भाई, इसका सोल्यूशन दो, इससे आगे हो जाएगी, मतलब मेरे कहने का ये कि अगली बार से हम केयरफुल रहेंगे कि हम ऐसी जगह खड़ी ही ना करें। अबे भाई, अबे भाई, इसमें हमारा तो कोई रूल नहीं, कल रात को तो मैं भी बोल रहा था अंदर खड़ी कर लो, अंदर खड़ी कर लो, क्यों नहीं खड़ी करी, जब सारी जब जगह खड़ी जगह है तो भाई जगह बताएंगे, वही तो खड़ी करेंगे, हम थोड़ी खड़ी कर देंगे। अरे तो मैं वही तो चीज बोल रहा हूं कि क्या कहते हैं अपना, उन्होंने कहने की वहां खड़ी करो, हम तो वहीं खड़ी करेंगे, हम कुछ, हमें भी लग रहा है कि सेफ है, साइड में खड़ी है, कॉल लगिन रहा है, एक बार नहीं 10 बार बोला भाई, मैंने बोला उनको, कोई हल नहीं मिला है गाइज, बहुत जोरदार लड़ाई बच रही है भाई बाइक के ऊपर, ये कह रहे हैं कि बाइक उठा के निकाल लेंगे, कार के ऊपर से बाइक उड़ा के निकाल, भाई मेरा काम ही यही है, मैं तो यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, मैं तो बनानी पड़ेगी, इट इज गोइंग ऑन, बड़ा सीन हो गया, 3 घंटे हो गए दोबारा, अभी कुछ नहीं हुआ, ये गाड़ी के पीछे स्पेस देखो कितना सा स्पेस है, बस नॉर्मल इतना सा स्पेस है, और इसमें जानते हो क्या कह रहे हैं यहाँ से बाइक उठा के हवा में लिया, एक बार मैं आपको रोड दिखा, अरे तेरी बस इतना सा फर्क है, और यहाँ से ये कह रहे हैं किनको उठा के लिया, बहुत तेज है भाई लोग, ये बहुत ज्यादा तेज, जानते क्या कह रहे हैं अब अपनी बाइक पे चले जाओ, तुम्हारे पास दूसरी बाइक है, चलो गलती है भाई, हमारी बाइक छोटी हो चाहे जैसी भी हो, हमारे तो जान से ज्यादा प्यारी, हम तो बाइक से आए, 2 लाख रुपए मिट्टी हो जाएंगे हमारे, हम कहते दिल्ली कहते लेके जाएंगे 600 किलोमीटर, हम चूते दिख रहे हैं, उठवाएंगे तो गई है इनसे, ये कोई हम मेरे को बाइक दिलवा रहे हैं, कहने की बाइक तुम ले लो रेंट पे, जो खर्चा होगा आधा तुम दे देना, आधा मैं दे दूंगा, अरे यार मजबूरी है, देखो वो भी बंदा ना ओनर नहीं है, वो भी काम वाम करता, तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो आधा मैं दे दूंगा,
आधा तुम दे देना भैया। अपने अपन लोग ने KTM Duke 390 आपकी बाइक भाई? अपनी बाइक नहीं मेरी, दूर दूर जाना यार मेरी ये है भाई। अपनी ब्लैक वाली गाड़ी को करते हैं बाय बाय और चलते हैं। मतलब अपनी गाड़ी होने के बावजूद भी हमें बाइक रेंट पे लेके जानी पड़ रही है। ये रही अपनी। नित्तू तू तो पूरा राइडर बन गया रे, तू तो पूरा राइडर चंगेज खान बन गया रे। हाँ एटीट्यूड हो गया पूरा। ये रही भाई अपनी वैन, हम देखो कितनी, ओह सॉरी जो खर इतनी गंदी हो रखी है। चलते हैं। ओह एवरेज किलोमीटर देखो 8 दिखा रहा है, 8 की एवरेज। देखिए कभी 8 की एवरेज। चलो भाई एक चीज़ और हो गई, शायद पबजी ने रिकॉर्ड करी हो तो करी हो। ये रहे वो पुलिस वाले, इन्होंने मेरा अभी अभी चलान काटा है भाई 500 रुपये का, ये इसी बाइक पे, क्योंकि मैं बिना हेलमेट के चला गया था ना। ये रहा होटल और होटल के जस्ट सामने से हमने बाइक ली थी, तो बाइक लेते ही क्या हुआ ना, यहाँ सामने बाइक गली के बाहर निकलते, मेरी गलती मान सकते हैं आप इसे, 500 रुपये का चलान भी कट गया। क्या दिन है यार। मेरा टुक जाओ, मैं जरा इनसे ना कार्ड ले आता हूँ। हैं कुछ नहीं मैम, कार्ड दे दो, कार्ड जैसे वो, अगर कुछ कागज़ वागज तो है नहीं, और उसका नंबर भी। किस नंबर पे करनी कॉल? सेकंड। चलो ये रहा नंबर भैया, आपको लेना हो तो बाइक रेंट पे ले सकते हो। पेट्रोल पंप कितनी दूर है भैया? हाँ बहुत टाइट चल रही है यार इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा कीचड़ में चल गई ना, चैन वैन सब टाइट हो गई। पबजी ने तो वॉश करा ली, वो निकल गया तेज। ये भाई मोनेस्ट्री कहते हैं इसे, वैसे बुद्धिस्ट मंदिर है ये, बौद्ध मंदिर। मेरा भैया मनाली, क्या 10 बजे के 11 बजे के निकले, अब 2 बजे निकल रहे रूम से। सीन देख रहे हो कितना गंदा है भाई। देखो चीज़ों का सोल्यूशन ना निकालना पड़ता है। अब वो देखो मुझे पता है, वो जो आदमी है मतलब वो होटल का ओनर नहीं है, वो सिर्फ वहाँ काम करता है, तो मुझे भी पता है इतना उस वो नहीं कमाता होगा, तो इसलिए मैंने बोल दिया भाई देखो आधा आप दे दो आधा मैं दे देंगे। वरना अगर कायदे से देखा जाए ना, ऑनर होता वो उसको, या कुछ वो गलत तरीके से बात करते तो मैं, हाँ तो मैं पूरी गाड़ी का पैसा उनसे रेंट वेंट सब उनसे लेता, क्योंकि हमारा तो टाइम ख़राब हो रहा है यार, 2 दिन ऑलरेडी हम डिले चल रहे हैं बारिश की वजह से, तो बस वही वाली बात है। यहाँ बस पहले पेट्रोल पम्प देखना है, पहले नित्तू जी पेट्रोल डलाएंगे। चलो तुम चलो, चल दीदी भाई जाओ, चल 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 निकलना, चल बराबर में चलना, जाना अबे जा जा। तो भैया अपन आ चुके हैं ड्यूक 390 पे। इस पे तो ऐसे, इस पे तो बैठ के ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ पे बैठा हुआ हूँ मैं, और हेलमेट का एंगल भी पता नहीं सेट है कि नहीं है, क्योंकि मुझे भाई नेकेड बाइक में एंगल सेट करने की आदत नहीं है। उसका हैंडल बड़ा अजीब है यार, पूरे टायर गए हुए हैं, दिखने में अच्छी लग रही थी, पूरे टायर गंजे हो रखे हैं इसके, पावर बहुत एक्सट्रीम लेवल की है इसमें। पहाड़ों पे तो भाई यही गाड़ी कामयाब है, वो हैंडल मुड़ ही नहीं रहा इसका, पता नहीं कैसा हैंडल करवा रखा है इन्होंने, ऊंचा ऊंचा और करवा रखा है पूरा। सोच रहा हूँ एक बढ़िया सा शॉट ले लूँगा पीछे से, तो ये चलने को राजी नहीं है उनके साथ। वो देखो वो कहाँ निकल गए वो तीन, और ये कहाँ निकल गया है। पर मज़ा बहुत आ रहा है भाई साहब, बहुत एक्सट्रीम लेवल की पावर फेंक रही है भाई ये तो, BS4 है ना, मज़ा ही आ जाता है इसको तो चलाने में। पर जो इसके वो है ना टर्न्स, उन पे भाई एकदम झटके से टोटल नहीं खोल सकते, बहुत व्हील स्पिन हो जाएगा बहुत तगड़ा वाला। डीडी भैया भाई जितने जैसे जैसे ऊपर जा रहे ना, ठंड और बढ़ती जा रही है, और हमने तुम्हें पता है कुछ भी गर्म कपड़े नहीं पहने हैं, ठंड तो भाई भरी गर्मी में भी यहाँ पे कड़ाके की ठंड है। उंगलियाँ सुनी पड़ने लग गई, देखो काली पड़ गई होंगी। हाँ कोई ना चलाएंगे गाड़ी। ओए भेड़ है वो तो। ये गाड़ी ने रेंट पे दी ना, बहुत बेकार चल रही है यार, टायर इसके पूरे गंजे हो रखे हैं, हैंडल ऐसा हो रखा है मुड़ने को राजी नहीं हो रहा, बैलेंस से गाड़ी इधर उधर लेफ्ट राइट करनी पड़ रही है। टनल 2 किलोमीटर ले लेता, कितना है 411 किलोंग है 48। मेरा नित्तू भाई कहाँ रह गया? नित्तू भाई ए नितुड़ी, क्या आप मेरे इंटरकॉम पे कनेक्ट हैं? नहीं नित्तू जी इंटरकॉम पे कनेक्ट नहीं है, नित्तू दिख नहीं रहा यार नीचे दूर दूर तक। अरे अरे वो अरे वो अरे वो अरे
इतने के लिए थोड़ा सा रुक जाता हूँ भैया। ऊपर देखो ग्लेशियर, ओह एकदम झटके में लेके गया गुरु। बिस्ट बिस्ट बिस्ट, ओए होए ऊपर जाते जाते क्या लिखा, यू आर अप्रोचिंग द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल ऑफ द वर्ल्ड, ओए होए वेलकम द वर्ल्डस्ट लॉन्गेस्ट टनल। पावर गई R15 की, पावर गई, पावर नहीं है ना, पावर पावर भाई, इन पहाड़ों पे बिल्कुल भी नहीं खिंच रही है, लेकिन मानना तीसरे गियर पे तो बिल्कुल नहीं उठ रही है, चाहे जितने मर्जी RPM पे आप गाड़ी चला लो। बहुत भाई बहुत ऐसा टास्क लग रहा है, खींचना पड़ रहा है गाड़ी को, बहुत जोर लगाना पड़ रहा है जरा सी स्पीड बढ़ाने के लिए भी। गाड़ी लगाओ साइड में, हाँ इसको उठा के फेंक दे, पत्थर फेंक, बहुत गलत जगह पे है नहीं तो ये पत्थर, बीच में पत्थर पड़ा था भाई और एकदम टर्न पे है पूरा यहीं पे, बहुत बड़ा सा पत्थर, क्या फ़ायदा भाई कुछ अनहोनी हो जाए किसी ना किसी के साथ। एक मिनट तो लगता है यार, चलो चैन देखो कितनी ढीली हो गई, चैन में भाई बहुत डस्ट आ गई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो कीचड़िंग जो हुई ना कीचड़िंग मतलब जो थोड़ी सी ऑफ रोड कर ली थी हमने, थोड़ी सी नहीं काफ़ी, तो उसमें जो सीन हुआ था वो वाला उस देखना, पूरा रेव है उसका हाथ का, तभी हाल है। अटल टनल इन द हाउस बेबी, चलिए हूँ बैटरीज ऑफ हो गई आपकी, हाँ आज हम वीडियो में दिखाएंगे थोड़ा सा। अरे बड़ी भीड़ है, अरे 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 अरे, क्या क्या लाउड नहीं है यहाँ पे, एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या, फुल ऑयल लुब्रिकेंट, अटल टनल ये है अटल टनल, वर्ल्ड की सबसे लंबी टनल ये है, आज इसके अंदर फाइनली जाने का मौका मिलेगा। चलान काट देते हैं, आ जाओ भैया, चलान कट जाता है, आ जा चल, सुन चलान कट जाता है यहाँ, रुकियो मत, चलो, वो रील भी तो बन जाएगा गाइज, नीतू भाई एक छोटी सी रील बना रहा है, भगाना, अच्छा गाड़ी भगी नहीं रही होगी, मनाले रोहतांग पास अटल टनल, स्पीड की लिमिट है भाई 40 से ज्यादा है जाएंगे नहीं, इतनी लंबी है टनल, अरे तेरी, यार ऐसे क्यों लग रहा है वो वाली गाड़ी तेज आ रही है। अच्छा यहाँ पे 60 हो गई, नो स्टॉपिंग, रुकना मना है, अरे तेरी 80 चला गया मैं, सौ भी, डोंट ब्रेक द रूल, 60 चले गए आप हम लोग, एक लगे हाथ एक वो भी बना ली जाए वीडियो नितू, करना पड़ता है, कैमरा लगा हुआ है उसके बावजूद भी मैं फोन से बना रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा फेस भी दिखना चाहिए ना मेरे भाइयों। अबे भाई कब खत्म होगी, हो जा, कितने किलोमीटर की टनल है ये भाई साहब, मान गए भाई बहुत लंबी टनल है बहुत ज़्यादा। अब निकलेंगे बाहर, स्विट्जरलैंड के दर्शन करेंगे, मज़ा आ गया भाई साहब, बहुत लंबी बहुत ज़्यादा लंबी टनल है यार, एंड लेवल की लंबी।
and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. भाई फाइनली अटल टनल अटल टनल हमने कर लिया है क्रॉस। यार हवा इतनी दे रही है, मुझे लग रहा है आवाज आ नहीं रही होगी अच्छे कैमरे में। ये पता कर, इट्स रियली गुड गाइज। तो भाई अटल टनल कर लिया है क्रॉस, आ गए हैं भाई अटल टनल के बाहर। वीडियो में आपने देखा और भूख लग रही है बहुत तेज, सुबह भी कुछ नहीं खाया, पूरा दिन निकल गया गाड़ी में R5 में निकाल लिया, चिकल में निकाला, बड़ी मुश्किल से आ किसी तरीके से पहुंच गए। पर जब भाई वहां से आने के बाद मतलब पहुंच गए, एक घंटे में पहुंच गए होंगे, तो रुके जाते हैं हम। हाँ रुके जाते हैं, एक डेढ़ घंटे में हम पहुंच गए। यकीन मानना भाई, जैसे हमने अटल टनल पार करा ना, जो व्यू देखने को मिला कसम से भाई, कैसे मैं बताऊँ, शब्द नहीं है मेरे पास। तकड़ा व्यू देखने को मिला, मैं सोचा अगर टनल से बाहर निकलूंगा एकदम ही बर्फ की चादर आ जाएगी सामने, बर्फ में टक्कर लगेगी। रोड हटा रहे होंगे, रोड से लोग बर्फ हटा रहे हैं, तो बर्फ ही नहीं है, गर्मी में कहाँ होगी। रोहतांग पे होती तो रोहतांग पे हमारा कैंसिल हो गया, वो इसलिए होगा क्योंकि हमें अब आज जाके पता चला, जब रोहतांग के पास पहुँचने वाले थे उससे थोड़ा 10-15 किलोमीटर पहले, कि रोहतांग में बाइकें नहीं जाती हैं, ओनली फोर बाई फोर। इसमें क्या करें इंसान, बाइक वाले क्या करें, बाइक छोड़ के जा नहीं सकते। ये सोच के मत हंसो, डुअल टोन सोच के हंसो इसका, डुअल टोन। ये आदमी सिनेमैटिक ले रहा है, सब सिनेमैटिक है गाइस, ये सब सिनेमैटिक है। मौका मिल गया तो ये लाइन भी डाल दूंगा, वरना ये भी सिनेमैटिक ही होगी। पहाड़ों में आपने मैगी नहीं खाई ना, तो गाइस तो कुछ नहीं खाया। अभी अभी लाया था वहां से, नीचे लाया, ठंडी हो गई इतनी जल्दी, इतनी ठंडी हवा चल रही है, एमरजेंसी में जाना पड़ रहा है दिल्ली वापस। कोई प्रीत को कुछ काम आ गया है, मतलब घर में कुछ हो गई है, कुछ बात हो गई है, तो एमरजेंसी में अब यहाँ से सोच रहे थे किलोंग जाएंगे, किलोंग से करेंगे कुछ पैराग्लाइडिंग। एक बार को तो लद्दाख का प्लान बन गया था, लद्दाख का प्लान बनते बनते कैंसिल हो गया। एक बार तो लद्दाख का भी प्लान बन गया, तो चलो लद्दाख चल रहे हैं यहाँ से, अगर मौका मिला तो निकल जाएंगे, पर एकदम बिना प्लानिंग के तो भाई जाएंगे नहीं, क्योंकि गर्म का गाइस ये जो पबजी है ना, ये हमेशा ऐसे ही करता है, मतलब जब भी जाएगा ना कभी भी कहीं पे भी, कुछ ना कुछ ड्रामे, कुछ ना कुछ नौटंकी करता ही रहता है, क्या कर सकते हैं। अब चलो कोई नहीं भाई, मजबूरी है, क्या कर सकते, इमरजेंसी है, वापस निकलना पड़ रहा है यहीं से दिल्ली। गाड़ी ली थी अभी एक घंटे पहले, गाड़ी ली थी 1600 रुपये की, 1600 की बाइक लिया, 1600 रुपये की बाइक ली, ड्यूक 390, क्योंकि बॉली बाइक फंस गई थी, प्लस इसमें 600-800 रुपये का तेल डलाया, 2000-2500 रुपये एक डेढ़ घंटे में मिट्टी हो गई, बेमतलब में कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ। अब चल के फटाफट चलते हैं भाई दिल्ली, क्या मैं बोलूँगा यार, कोई नहीं भाई, जितना हो सकता था उतना भाई मैंने ब्लॉग बनाया। और मेक श्योर आपको भाई ये वाली सीरीज़ अच्छी लगेगी, और ये वाली सीरीज़ अच्छी लगेगी भाई कमेंट डाउन कर बताना, नेक्स्ट किस जगह पे जाएं, और अच्छी सी जगह पे जाएं सजेस्ट करना, और फिर एकदम प्रॉपर तैयारी से चलेंगे और करेंगे अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग। चलो बाय बाय, टेक केयर।